गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम आप लोग बताएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो किस प्रकार से डिपेंड करती है और किस प्रकार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी जो होती है टेंजेंट होती है टू द पॉइंट ऑफ पाथ। पाथ जो पाथ का रास्ता होता है उसके पॉइंट पर हमसे टेंजेंट होती है हमारी वेलोसिटी। ये हम देखेंगे एट एन इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो टेंजेंट होती है, और वहीं अगर हम एक्सेलरेशन पता करना चाहें तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ वेलोसिटी इन जनरल प्लेन्स। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ एन वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी, वेलोसिटी किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हमने अभी हमें जैसा पता है वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन टी टी ये होती है। नाउ हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फिगर। वी हैव डैश एक्स वाई प्लेन, वी हैव डैम एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन। नाउ वी हैव डैट बॉडी डैट इज गोइंग टू शो मोशन। इट इज द बॉडी वी आर गोइंग टू शो हैव मोशन। डैट सेम बॉडी हैव गोइंग टू मोशन, डैट बॉडी हैव गोइंग टू बी अ मोशन। ये सारी बॉडी जो है मोशन कर रही हैं। हमने इसका मोशन किसी एक पॉइंट जनरल पॉइंट से देखना शुरू किया। फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू नोटिस इट। तो यहां से जो हमारे पास था ये था आर वेक्टर। दैट वेक्टर इज गोइंग टू बी आर वेक्टर। एंड दूसरा पॉइंट जो हमने लिया वो यहां से लिया, लेट अस टेक आर वेक्टर वन। ये हमारे पास वैल्यू आई। नाउ अब हमने क्या किया, यहां से आर वेक्टर रखा, आर वेक्टर यहां रखा, जो आर वेक्टर था वो यहां रखा। अब इस आर वेक्टर को थोड़ा सा और पास लेकर के हम कहें लेट टेक सम क्लोज टू इट। हमने थोड़ा ये जो हुआ डेल टी वन टाइम में हुआ, और ये हुआ डेल टी टू टाइम में। जो हमने ये वाला आर टू वेक्टर डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डेल टी टू टाइम में ट्रेवल किया है। नाउ अब हम यहां से ये हमारे पास आर वेक्टर, ये हमारे पास आर थ्री वेक्टर जो कि हमने डेल थ्री टाइम में कवर किया, और यहां ये हमारे पास आर वेक्टर है और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है हमारे दिए गए पॉइंट का। तो जरा इनके मतलब समझते हैं हम। हमारे पास जो टाइम था इनिशियल कंडीशन जो टाइम था, टाइम भी है डेल टी वन इज मोर, फिर उससे कम हमारा था, उससे कम टाइम था हमारा डेल टी टू, उससे कम डेल टी थ्री, उसके बाद उससे कम डेल टी फोर। नाउ डेल टी वन कम था, तो डेल टी वन कम था तो हमारे पास जो वेलोसिटी बी वन निकली वो भी कम निकली, उसके बाद बी टू वेलोसिटी जो निकली उससे कम, बी थ्री उससे कम, और बी फोर एट एनी इंस्टेंट सबसे
कम निकली। तो एट दैट इंस्टेंट जब हम देखते हैं, यहां पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर है वो टेंजेंट होती है टू रेडियस वेक्टर या पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू मेजर इट। हम यहां देख सकते हैं इट इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल। नोट डाउन, और हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट या एट एनी इंस्टेंट इज टेंजेंट, इज टेंजेंट टू द पाथ एट एनी गिविंग पॉइंट, एट एनी गिविंग पॉइंट। मीन टू से हमारे पास ये दो पॉइंट थे, तो पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी था, और यहां से यहां एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है, आप जानते हैं यहां आर वन माइनस आर वेक्टर, इस तरीके कुछ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल आर वेक्टर, डेल आर इसे हम डेल आर वन मान लिया, ये हमारे पास बना आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, इसे माना डेल आर टू वेक्टर, यहां आर वेक्टर माइनस डेल, हाँ ये ए टू बी था, ये ए था, और लेकिन हमने थोड़ा और पास लेके आए हैं तो इसे हमने बोल दिया सी पॉइंट, ये हमारा सी है, इट गोइंग टू बी सी बी है। नाउ ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास डी है, और ये ए पर ही आ गया, ए के बहुत नजदीक आ गया, कोई ई पॉइंट भी इधर भी है, ई पॉइंट है इधर, लेकिन बहुत पास में है। आर फोर इक्वल्स टू डेल आर फोर वेक्टर, और जो हमारा आर वन वेक्टर, आर वन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बड़ा है, उससे भी कम ये है क्योंकि कम टाइम में जा रहा है, तो इसी तरीके से कह सकते हैं डेल आर वेक्टर वन इज ग्रेटर देन डेल डेल आर वेक्टर टू और ग्रेटर डेल आर थ्री वेक्टर। तो ए से बी की तरफ आया तो और इसकी तरफ बेंड हुआ, फिर ए से बी की और पास लेके आए कम टाइम में, इन लेसर टाइम हम लेके आए तो हमें वैल्यू ये मिली, थोड़ा और कम हुआ, फिर और लेके आए तो हमें आर टू वैल्यू मिली, और फिर जब हमने देखा बिल्कुल उसके करीब लेके आए तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा वेलोसिटी जो उस बॉडी की है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इस टेंजेंशियल, जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल है टू पार्ट ऑफ दैट पॉइंट, जो रास्ता है उसकी टेंजेंशियल हमें वेलोसिटी ऑब्टेन हो रही है। एक छोटी सी बात और, इस कंडीशन में जो हमारा डेल आर है वो टेंज टू जीरो कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मीन टू से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो टेंज टू जीरो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गोइंग टू जीरो और टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू टेंज टू जीरो, इन दैट कंडीशन दैट इज ट्रू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारा ए, ये बी, ये सी एंड इट इज डी, ए बी एंड सी एंड डी, इस तरीके से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिलती है। अगर हम इसे थोड़ा ओपन करना चाहें, इसे जैसे हम पता है आर जो होती है, आर वेक्टर जो होता है हमारा एक्स आई जे प्लस वाई जे के बराबर होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है डी अपॉन डी टी एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर, डिफरेंशिएट कर देते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन डी टी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई डी टी जे वेक्टर। तो ये आता है वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई वेक्टर बी वाई जे वेक्टर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड वाइज वी
इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स का होल स्क्वायर बी वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। इट इज अ वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म ऑफ द केविन इक्वेशन। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर हमारी टेंजेंशियल होती है। जब हमारा टाइम डेल टाइम जीरो की तरफ टेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो की तरफ टेंड करता है, ऐसी कंडीशन में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विद इन बॉडी, एक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन क्या सिंपल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो होता है ए इक्वल्स टू डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, इसके बराबर होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी। इसे समझने के लिए भी, एक्सेलरेशन समझने के लिए भी हम इस तरह की ग्राफ लेंगे। वी हैव we have that x o by x o by x o by x o and by now we have the equation of path for giving instant like that। किसी भी instant के लिए हमारी equation of path in general manner non uniform motion में हमारा general path को इस तरीके से हमारी body move कर रही है। Now जो velocity है हमारी, velocity वेक्टर वी वेलोसिटी वेक्टर बी एंड वेलोसिटी वेक्टर वी, हमारे पास ये वेलोसिटी है किसी बॉडी की जो कि मूव कर रही है। हमने एक पॉइंट लिया, वी टेक्स अ पॉइंट देयर, हमने एक पॉइंट लिया वेलोसिटी बी वन वेक्टर और इन दोनों के बीच में ट्रायंगल फॉर्म करके, आप लोगों को पता होगा ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं, काफी अच्छे से ट्रायंगल फॉर्म करके हमने यहां पर डेल बी वन की वैल्यू निकाली, दैट इज डेल बी वन, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा। हमने थोड़ा सा और डिस्टेंस कम किया और तब वेलोसिटी निकाली, दैट इज बी टू। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी निकली डेल बी टू, हमने और डिस्टेंस कम किया तब हमने वेलोसिटी ली बी थ्री, तो हमारे पास डिस्टेंस निकला बी थ्री। और नेक्स्ट केस में हमने वेलोसिटी को बिल्कुल जीरो के पास लगा दिया, तो हाँ एक्स
ये हमारा एक्सलरेशन है, दैट्स द एक्सलरेशन ए ए ए ए, इट्स द एक्सलरेशन वी आर गोइंग टू बी हैव इन दैट केस। यहां पे टाइम था डेल टी वन, यहां टाइम था डेल टी टू, यहां टाइम था डेल टी थ्री, और यहां जो था डेल टी टेंस टू जीरो एंड डेल बी टेंस टू जीरो। यहां पर डेल टी और डेल बी जो है जीरो की तरफ टेंड कर रही है। तो इस बात को देख करके हमें क्या पता चल रहा है, इस बात को देख करके हम कह सकते हैं कि एक्सलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एट एनी इंस्टेंट एक्सलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एट एनी इंस्टेंट एक्सलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी, एक्सलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है टू दी एक्सलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी, प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी। किसी भी इंस्टेंट में कितना एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्ट वो एक हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है किसी दिए गए इंस्टेंट के अंदर, जब हमारी वेलोसिटी वेक्टर जो होता है और टाइम दोनों जीरो की तरफ टेंड कर रही हो ऐसी कंडीशन में। इन सब के केस में अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वेक्टर फॉर वन, ये बी वेक्टर और ये बी, तो यहां पर ये जो हमें मिलेगा ये बी वन है, ये हमें मिलेगा डेल बी वन के बराबर। फॉर दिस केस हमने इसकी और इसके हेड रोटेट मिला करके इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल की लॉ लगा करके हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, डेट इज बी वन माइनस बी के बराबर फॉर दिस केस। एंड नेक्स्ट केस फॉर दिस केस इन सिमिलर मैनर वेक्टर ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर इधर जा रहा है और ये हमने लिया बी टू वेक्टर और यहां से यहां हमारे पास आया बी टू वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू डेल बी टू वेक्टर। एंड नेक्स्ट केस वेक्टर बी वेक्टर बी थ्री वेक्टर इधर यू लिया तो ये हमारे पास आ गया बी थ्री वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर इक्वल टू डेल बी थ्री वेक्टर। इस फॉर्म में हम ट्रायंगल बना करके इनकी वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू बाय मेकिंग द ट्रायंगल्स। इस केस में हमारे पास अगर हम देखें तो डेल बी वन बड़ा है, डेल बी टू वेक्टर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा हमारा डेल बी थ्री वेक्टर। इस तरीके से टाइम बात करें तो डेल टी वन फिर डेल टी टू फिर डेल टी थ्री, ये हमारे पास कंडीशन
बनती हैं, ये हमारे पास टाइम की वैल्यूज बनती हैं। और सिमिलर मैनर में बी वन बड़ा है, बी टू उस छोटा, फिर बी थ्री एंड तीन ही है इसमें। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। हम इसे ओपन करें, डी अपॉन डी टी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे वेक्टर। सो क्या बनता है एक्सेलरेशन, डी डी टी बी एक्स आई वेक्टर प्लस डी डी टी बी वाई जे वेक्टर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे वेक्टर। और मैग्नीट्यूड देखें तो ए एक्स का होल स्क्वायर एंड ए वाई का होल स्क्वायर के बराबर हमें मैग्नीट्यूड ऑब्टेन होता है। नोट डाउन, तो आज हमने जाना वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के लिए हमने दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने यहाँ दिखाया कि हमारी बॉडी कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इन दिस मैनर। हमने उसके कोई दो पॉइंट टेकअप किए, दो पॉइंट टेक किए ए एंड बी, यहाँ पे वैल्यू आर, यहाँ आर वन, दो डिस्टेंस लिए, एक की वैल्यू आर है एक की वैल्यू आर वन है। इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है आर वन माइनस आर इक्वल टू डेल आर वन के बराबर है। फिर हमने टाइम को और कम किया और इसको भी और छोटा किया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, इसको थोड़ा और पास लेके गया तो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हमारा कम टाइम में और छोटा आया। फिर हमने इसे आर थ्री पे लेके आए, डेल आर फोर हमारा और छोटा आया क्योंकि कम समय में हम काम कर रहे हैं। और जब हमने आर की वैल्यू बिल्कुल ही जीरो के पास ले गए और टाइम की टी की वैल्यू बिल्कुल जीरो के पास ले गए तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी है वो टेंजेंट है टू द गिवन पॉइंट और द पाथ, जिस पाथ पे हमारी बॉडी चल रही थी उसकी कंप्लीट टेंजेंट हमारी वेलोसिटी जा रही थी। नाउ सेकेंड केस हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। हमने माना ये जो हम नॉन यूनिफॉर्म पाथ देख रहे हैं ये हमारे पास एक बॉडी है या फिर वेलोसिटी की एक पाथ है, ये उसका हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। हमने ट्रायंगल लॉ बनाया, ट्रायंगल बना करके डेल बी की वैल्यू हमारे पास इतनी निकली। नाउ इसमें डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी निकली हमारी चेंज इन वेलोसिटी बी वन डेल वी वन और टाइम डेल टी वन। फिर हमने और टाइम का मैग्नीट्यूड कम किया तो ऐसी कंडीशन में हमने ट्रायंगल लॉ बनाया और ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके यहाँ पर ये रखा, ये जो हम ए लगा ए रखा है ये पाथ ऑफ द एक्सेलरेशन है, पाथ ऑफ एक्सेलरेशन, पाथ ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हमने टाइम को और कम किया तो ऐसी कंडीशन में ये और पास आया यहाँ पर। फिर हमने टाइम को और कम किया और जब हमने टाइम को बिल्कुल ही डेल टी के बराबर ले गए, डेल टी टेंस टू जीरो एंड डेल बी टेंस टू जीरो, तो हम देखते हैं जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसी को हमने लिख दिया एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। जो वेलोसिटी होती है वो एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ उसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर होती है। ये सारी बातें आज हमने जानी। नोट डाउन।